हेलो नमस्ते प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल द फूड डिस्कवरर। मैं हूं आप सबका दोस्त और इस चैनल का होस्ट सावन सिन्हा, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जा रहा हूं महाराष्ट्र टूर पे, और मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी अपने होम टाउन गोपालगंज से, जहाँ मैंने दिए 100 रुपये बस की टिकट के, जो गोपालगंज से सिवान पहुँचाती है आपको, क्योंकि मेरी ट्रेन सिवान से है, लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। लेकिन फ्रेंड्स, सिवान आके मुझे पता चला कि इस ट्रेन की टिकट एक दिन पहले करानी होती है, तो या तो आप ऑनलाइन टिकट ले लें, या तो आपको अगर काउंटर पे लेनी है तो एक दिन पहले आप इसकी टिकट ले लें, तभी आपको इस ट्रेन में सीट मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ट्रेन में ही टीसी को 100 रुपये दे के अपनी टिकट बनवाई, क्योंकि मेरी आज की अपॉइंटमेंट है SSP राजा सर से, जो एक नाड़ी ज्योतिष है, और आज रात की ही मेरी ट्रेन है दानापुर से पुणे के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ट्रेन बहुत ही अच्छी है लखनऊ से पाटलिपुत्र के लिए, साफ सफाई बहुत अच्छी रहती है इसमें, और पटना और आसपास के इलाकों में बाढ़ की कंडीशन भी आप देख सकते हैं इस मेरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहुंच चुका हूं मैं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे, और यहां से मैं ऑटो लूंगा 20 रुपये में शगुना मोड़ के लिए। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं शगुना मोड़ पे, और यहां मिलूंगा मैं SSP राजा सर से, जो चीफ नारी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो अगर आप भी कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं। यहां शंकर भगवान का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, और पिलर नंबर 3 के ठीक सामने है चंदन दीप अपार्टमेंट, जिसके फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है। फ्रेंड्स, यहाँ साउथ इंडियन टेक्निक से आपकी कुंडली के बारे में बताया जाता है, तो मैं यहाँ अपनी कुंडली दिखा के फिर मैं निकलूंगा कुछ पेट पूजा करने। और यहाँ आ रहे मेरे एक फ्रेंड जो मुझे दानापुर रेलवे स्टेशन तक छोड़ेंगे, तो यहाँ हम लोग खा रहे हैं अब अनरसा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होती है पटना की, तो अभी जब भी पटना है तो यहाँ जरूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसे खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। और ये जो मज़ा है, मैं हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और ये है फ्रेंड्स बेली रोड के सबसे फेमस चाय के स्टॉल, पिलर नंबर 5 के पास। दोस्तों, मैं दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में हूँ, ये है अपना बदलता बिहार। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुका हूँ मैं दानापुर रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ है फूड ट्रैक, बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जहाँ आप खाना खा सकते हो और पैक भी करा सकते हो अपने ट्रेन में ले जाने के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर दिया है यहाँ पे वेज पुलाव और कढ़ाई पनीर, इसके साथ है रोटियाँ। तो आप देख सकते हैं कितना ही लाजवाब खाना है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ पे। तो आप ज़रूर, जब भी आपको आना हो रेलवे स्टेशन, तो आप यहाँ से आके खाना खाएं, और ट्रेन के अंदर खाने के लिए भी आप खाने की पैकिंग यहाँ करा सकते हैं, बहुत ही अच्छी पैकिंग होती है यहाँ पे। जितना ही स्वादिष्ट यहाँ का खाना है, जितना ही लाजवाब खाना है यहाँ पे, उतनी अच्छी यहाँ पे पैकिंग भी होती है। आप देख सकते हैं दोस्त, चाहे वो रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे वो पुलाव हो, हर चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी बना है यहाँ पे, और खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। और ये जो मज़ा है, मैं हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ खाना खा के ज़रूर जाएँ। अभी रात के 11:10 की ट्रेन है मेरी, जो 29:30 के बाद मुझे, यानी दूसरे दिन सुबह 4:40 पर पहुँचाएगी पुणे रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से खाना खा के मैं आराम से जाके ट्रेन में अब सो जाऊँगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपनी ट्रेन में अपनी सीट पर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी अकेले जर्नी कर रहे हो तो आप अपनी टिकट AC में ही बुक कराएं। ये है मेरा ट्रेन का नेक्स्ट डे का खाना, वेज बिरयानी। फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो कोशिश करें कि ज़्यादातर फ्रूट्स खाएँ या हल्के डाइट ही लें। तो फ्रेंड्स, अब मैं खा के देखता हूँ कि कैसी लगती है बिरयानी, क्योंकि उत्तराखंड से आते टाइम मुरादाबाद और बाकी स्टेशनों पे जो खाना मिला, उसके बाद से तो ट्रेन का खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा। वेल, बिरयानी अच्छी है, वेज बिरयानी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें वेज है ही नहीं बिल्कुल, फिर भी ठीक है, टेस्ट वाइज ठीक है, अच्छा है, हल्का है, कम से कम सही से पका हुआ तो है। लेकिन जो खाना हमें मुरादाबाद में मिला था, छोले चावल जो कच्चे थे, उससे तो 100 गुना अच्छा है। ये वेज बिरयानी दोस्तों 50 रुपीज़ की है, और रात में मैंने लिया डिनर में यहाँ की वेज थाली, जो 120 रुपीज़ की थी, वो भी ठीक ठाक ही थी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पुणे रेलवे स्टेशन पे, लगभग 5 बजे सुबह। यहां से जाऊंगा मैं बस स्टैंड, जहां से बस मुझे आधे घंटे में पिंपरी पहुंचा देगी 70 रुपीज़ की टिकट में, जिसका ऑटो वाले 400 से 500 चार्ज कर ही देते इस वक्त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का यही फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, ये रीज़न था मेरा बैक टू बैक उत्तराखंड से जर्नी करके वापस महाराष्ट्र आने का, क्योंकि रक्षाबंधन में मुझे अपनी दीदी के पास आना था यहाँ पे पिंपरी पुणे, और यहाँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना था, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड का प्लान बना था वो फ्रेंड्स के साथ ऐसे रैंडमली बन गया था, लेकिन जो मेरा महाराष्ट्र का जो प्लान था रक्षाबंधन पे आने का, ये मेरा फिक्स प्लान था पहले से, तो यहाँ तो मुझे आना ही था। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन कम्प्लीट हुआ, और अब हम खाएँगे दीदी के हाथ का बना हुआ बहुत ही टेस्टी और यम्मी खाना, तो कई सालों बाद मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे दुनिया में कहीं भी खा लें, लेकिन माँ के हाथ का खाना, दीदी के हाथ का खाना का स्वाद आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए लाजवाब पनीर बिरयानी, इसकी खुशबू से एकदम मज़ा आ गया। गणपति बप्पा मौर्या। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं रांजनगांव महागणपति जी का दर्शन करने, तो आपको मैं लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ कैसे जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ दर्शन करने जरूर आएँ, क्योंकि ये भगवान गणेश के अष्ट विनायक रूपों में से एक रूप है। तो फ्रेंड्स, निकल चुके हैं हम लोग महिंद्रा एंथिया से, और पहुँच चुके हैं अभी अम्बेडकर चौक पे। दोस्तों, घर से बाहर जब भी निकले मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं पिंपरी के पिज्ज़ा हट पे, और यहाँ पे हम पहले खाएंगे पिज़्ज़ा और फिर हम निकलेंगे आगे, क्योंकि फ्रेंड्स घूमने का मज़ा तभी है जब बीच बीच में कुछ खाते रहा जाए, कुछ पीते रहा जाए। तो आइए, आज मैं दिखाता हूँ आपको कि पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा कैसे बनता है।
आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी साफ सफाई से और कितना ज़्यादा चीज़ डाल रहे हैं भैया, और वेजिटेबल बिल्कुल ऊपर एकदम से भर दिया इन्होंने। तो ये जो फ्रेश वेजिटेबल्स और चीज़ डालते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स में, तो इसकी वजह से जो एक अरोमा आता है, जो खुशबू आती है पिज़्ज़ा के अंदर से, वो एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देता है पिज़्ज़ा को। अब ये पिज़्ज़ा जाएगा ओवन में और हमारा पिज़्ज़ा भी लगभग रेडी हो चुका है, तो मैं पिज़्ज़ा लेके अब निकल रहा हूँ अपनी कार की तरफ। तो फ्रेंड्स, मौसम बिल्कुल साफ़ है और पुणे अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सुरुचि डेयरी पे, और सुरुचि डेयरी पे हम खाएंगे आइसक्रीम। यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होती है, और यहाँ आइसक्रीम खा के हम निकलेंगे महागणपति जी के दर्शन के लिए आगे की ओर। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर दृश्य है यहाँ आसपास। वाओ, आरुष भी आ गया अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेकर। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं सुरुचि डेयरी पे और यहाँ हम लोगों ने लिया कुल्फी, जो यहाँ फैक्ट्री है इसकी, और मैं खा के इसका टेस्ट एक्सप्लोर करता हूँ आपको कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल रियल इसमें जो मलाई का फ्लेवर आ रहा है, जो कुल्फी फ्लेवर हम लोगों ने लिया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुल्फी खा रहे हैं, और प्योर दूध का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है इसमें, मलाई कुल्फी है ये, और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इसका। इसे खा के बिल्कुल मज़ा आ गया, और ये जो मज़ा है मैं केवल हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द फूड डिस्कवरर। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हम लोग महागणपति रंजन गांव पे। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर, कितना ही मनोरम दृश्य है यहाँ पे, और यहाँ एक छोटा सा ये मार्केट है जहाँ मिलते हैं आपको पूजा के सामान और प्रसाद। फ्रेंड्स, कोरोना गाइडलाइन की वजह से काफ़ी सारे मंदिर बंद है अभी, तो मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा देता हूँ गणपति जी का। एक बार ज़ोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, और कमेंट में जय गणपति ज़रूर लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ही मनोरम, सुंदर और अलौकिक दृश्य है यहाँ पे। तो जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, दर्शन करने यहाँ पे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र आए और वड़ा पाव ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम स्वाद लेंगे यहाँ के बेहतरीन और टेस्टी वड़ा पाव का। आप देख सकते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म और लाजवाब वड़ा पाव मिलता है यहाँ पे। दोस्तों, ये है काफ़ी सुंदर भैरवनाथ मंदिर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं वापस पिंपरी में, और हम लोग खाएंगे यहाँ लकी वेज के वेज मंचूरियन ड्राई, जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये मंचूरियन निकालते हैं, उसको सॉस में फ्राई करके देते हैं, और बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है इसका। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब दिख रहा है, और जिसे खा के बिल्कुल मज़ा आ जाता है दोस्तों। जितना खूबसूरत इसका कलर आया दोस्तों, उतना ही बेहतरीन इसका टेस्ट है, और खा के जो क्रंच है इसमें और जो इसका एक फ्लेवर आ रहा है सॉस का, बहुत ही मज़ेदार। और अब बारी है दोस्तों डिनर की, और डिनर के लिए हम लोग आए हैं राजेशाही बिरयानी के पास, और यहाँ से हम बिरयानी लेंगे वेज बिरयानी, और जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है यहाँ पे। और खाना खा के हम लोग निकलेंगे वॉक के लिए चिंचवड़ के हनुमान मंदिर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना ही भव्य और कितना ही बेहतरीन मंदिर है। यहाँ पे 9 ग्रहों की मूर्ति है, इसके अलावा यहाँ पे भगवान शंकर का शिवलिंग है, और माँ सीता, प्रभु श्री राम और हनुमान जी की बहुत अच्छी मूर्ति है यहाँ पे। तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी फ्रेंड्स, जहाँ कहीं भी रहते हो, कोशिश करें कि खाना खाने के बाद रात को टहलते हुए या फिर दिन में कभी भी एक बार परिवार के साथ मंदिर में भगवान का दर्शन जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जगह पर किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और देखते रहें द फूड डिस्कवरर।